Very good morning, students. So, in your history book, we have started with your second chapter from trade to territory. And in this class, we will continue with the same chapter. So, open your history books. Open chapter number 2, page number 12. The heading is How Trade Led to Battles. कि कैसे ट्रेड ने जो है बैटल्स यानी कि युद्ध को जो है बढ़ावा दिया, यानी कि कैसे जो अंग्रेज जो है इंडिया में व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, कैसे उनके ट्रेड ने जो है उनको व्यापार से लड़ाई की ओर वो लेके गए. ठीक है, कैसे ट्रेड करना उनको जो है धीरे धीरे युद्ध की ओर ले जाता गया. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कंफ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. ये कह रहे हैं 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो है, शुरुआत से ही जो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा होता होने लगा. ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम. जैसे कि जो है औरंगजेब के मरने के बाद क्या था, बाकी जो रूलर्स थे, बाकी जो लोकल नवाब थे जो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे, सेम उसी तरीके से जो है बंगाल के नवाब ने भी करना शुरू कर दिया. ठीक है, मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. देखो ये बता रहे हैं मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना, अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना. ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. इनमें से सभी ये जो तीनों ही थे ये बहुत ही क्या थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे. ठीक है, क्या थे, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस. इन लोगों ने जो है कंपनी को कंसेशंस यानी कोई भी रियायत देने से मना कर दिया. कंपनी की क्या चाहती थी कि उनको ट्रेड जो है वो ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, यानी कि ट्रेड पे उनको कोई टैक्स ना लगे, वो आसानी से बिना किसी ड्यूटी को पे करें ट्रेड करें. लेकिन इन नवाब ने जो है उनको कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. बल्कि इन्होंने क्या करा, कंपनी को जो है यहाँ पे ट्रेड अपने इलाके में ट्रेड करने के बदले में उनसे जो है ट्रिब्यूट यानी उनसे योगदान यानी उनसे पैसे मांगे. ठीक है, उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको जो है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. डिमांडेड डिनाइड एट एनी राइट टू मिंट कॉइंस. पहले देखो कॉइन बनते थे, जैसे आज अभी जो है नोट छपते हैं, उस टाइम पे कॉइन जो है मिंट होते थे यानी कि बनाए जाते थे. तो उन्होंने जो है कॉइन और बनाने से उनको मना कर दिया. कॉइन बनाने से क्यों मना करा, ताकि जो है करेंसी जो उस समय की करेंसी थी उसमें कोई बढ़ावा ना हो सके. ठीक है, एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. देखो इन्होंने क्या करा, इनको कोई भी कॉइन को मिंट करने यानी तो कॉइन्स को बनाने का राइट देने से मना कर दिया कि तुम जो है यहाँ पे बिजनेस करने आए हो और हम तुम्हें सिर्फ बिजनेस ही करने दे सकते हैं, वो भी हमारी शर्तों पे. और दूसरा, आपको कॉइन को मिंट नहीं कर सकते, यानी कि कॉइन बनाने का राइट किसका होता है, जो रूलर होता है उसका होता है. तो इन्होंने अंग्रेजों को कॉइन बनाने का अधिकार, सिक्के बनाने का अधिकार जो है देने से मना कर दिया. और इन्होंने क्या कहा, एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. और इन्होंने इनको जो है अंग्रेजों को फोर्टिफिकेशन यानी कि कब्जा करने से ही रोकने लगे कि आप और ज़्यादा इलाके पे कब्जा हमारे नहीं करेंगे. अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ दिस दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. इन्होंने क्या कहा कंपनी पे, इन्होंने
छीनने की कोशिश कर रहा है, उनको कम कर रहा है, और जो है जो नवाब की अथॉरिटी है यानी कि जो नवाबों की हुकूमत है उसको कम करने की जो है अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स देने से मना कर रही है। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और उनको जो है डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि बहुत ही मतलब असामान्य तरीके से चिट्ठियाँ लिख रही हैं। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, यानी कि जो वहाँ के नवाब हैं, बंगाल के नवाब हैं, उसको ह्यूमिलिएट करने का यानी कि उसको परेशान करने का, उसकी बेइज्जती करने का जो है, और उसके ऑफिसर्स की बेइज्जती करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी ने क्या कहा इसके जवाब में, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स यानी कि जो नवाब हैं लोकल, उनकी जो डिमांड है वो क्या है, अनजस्ट है, यानी कि बिल्कुल भी जो है मतलब स्वीकार नहीं की जा सकती, अनजस्ट है, यानी कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है, हमारे लिए ये अनजस्ट है तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है लोकल ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो नवाब हैं उनके बिजनेस को जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये किन्होंने कही, ये अंग्रेजों ने कही, ठीक है। और इन्होंने कंपनी ने क्या कहा, ट्रेड वुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव। वो कहने लगे कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है वो तभी फल सकता है जब ड्यूटी फ्री जो है हमसे जो है ट्रेड हमें करने की परमिशन मिले, यानी कि जब हमसे कोई कर नहीं वसूला जाएगा तभी हमारा बिजनेस जो है फ्लरिश यानी कि फल फूल सकता है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, कन्विंस करा कि अगर हमें अपनी सेटलमेंट्स को जो है बढ़ाना है, मतलब अगर हमें अपने ट्रेड को बढ़ाना है तो हमें अपनी सेटलमेंट्स को यानी कि अपनी फैक्ट्रीज को, जो भी उनके जो भी चीज़ों को बना रहे थे, कारखाने बना रहे थे, चाहे फोर्ट्स बना रहे थे, किले बना रहे थे, कहने ऑफिस बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमें अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, हमें अपने सेटलमेंट्स को भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट फोर्ट्स, उनको गाँव को खरीदने की ज़रूरत है और अपने किलों को दोबारा से बनाने की भी ज़रूरत है। द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब ये जो दोनों तरफ के जो विरोध थे, नवाब उनको जो है रियायत देने से मना कर रहे थे लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि नहीं हमें तो ये सब चीज़ें चाहिए तभी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो ये जो सारी कन्फ्लिक्ट थी इसने किसको बढ़ावा दिया, इसने कन्फ्रंटेशन यानी कि युद्ध की ओर दोनों को ले गया और फाइनली क्या हुआ, फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है, प्लासी की जो फेमस लड़ाई है वो हुई। अब द बैटल ऑफ प्लासी को हम देखते हैं, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, तो मर गया अलीवर्दी खान 1756 में। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला जो है वो क्या बना उसके बाद, बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी जो है उसकी पावर के बारे में चिंतित थी, यानी कि उनको लगता था कि जो सिराजुद्दौला है वो बहुत ही पावरफुल है। एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस, और वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला की बजाय कोई पपेट रूलर, पपेट रूलर का मतलब जो उनके इशारों पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर ही काम करे, ऐसा उनको रूलर चाहिए था कि ऐसा कोई नवाब आए जो उनका पपेट बन के रहे यानी कि उनका एक कठपुतली बन के काम करे और जो कि उनको हर तरीके के कंसेशन और जो बाकी प्रिविलेजेस हैं बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो सभी देने को तैयार हो, ठीक है, तो वो कोई इस तरीके का नवाब चाहते थे। सो आई ट्राइड गो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब, तो उन्होंने
कोशिश की कि सिराजुद्दौला की जगह वो जो हैं बंगाल का नवाब बने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, एंड इन्फ्लुएटेड सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू स्टॉप मेंटेन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। अब इन सब बातों से नाराज होकर जो सिराजुद्दौला है उसने जो है धमकी दी कंपनी को, कहा मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम जो है हमारे पॉलिटिकल, मेरे इलाके की जो पॉलिटिकल अफेयर है यानी कि मेरे जो राजनीति है मेरे क्षेत्र की, उसमें तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू। और उसने कहा एक तो तुम मेरी जो पॉलिटिक्स है उसमें दखल नहीं दोगे, आगे कोई फोर्टिफिकेशन यानी कि और जो जगहें हैं उन पे कब्जा नहीं करोगे, और क्या करोगे तुम रेवेन्यूज को पे करोगे यानी कि जो भी ड्यूटी मैं तुम पे लगाऊंगा तुम्हें वो सब पे करनी पड़ेगी। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल, जब दोनों के समझौते यानी कि नेगोशिएशन बार्गेनिंग दोनों की फेल हो गई, यानी कि जो अंग्रेज चाहते थे हमें छूट मिले वो देने से नवाब ने मना कर दिया, और नवाब जो चाहता था कि मेरे को ये सारी चीज़ें ये अंग्रेज पे करें उन्होंने वो पे करने से मना करा, यानी कि सारी नेगोशिएशन जब फेल हो गई, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वहाँ पे जो नवाब था उसने वो 30,000 सैनिकों के साथ वहाँ पे उसने मार्च किया यानी कि वहाँ पे उसने आक्रमण कर दिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको उसने कैप्चर कर लिया यानी कि बंदी बना लिया। लॉक द वेयर हाउसेज, वहाँ के जो वेयर हाउस थे यानी कि गोदाम थे वहाँ के उनको जो है लॉक कर दिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिश मैन यानी कि सभी इंग्लिश मैन यानी कि सभी अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, जितनी भी इंग्लिश शिप्स थी समुद्र के रास्ते से जो आती थी उनको ब्लॉक कर दिया, उनके रास्तों को ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। उसके बाद वो जो है कैलकटा की ओर बढ़ा ताकि वो कंपनी का जो फोर्ट है वहाँ पे कंपनी का जो किला है उस पर कब्जा कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं, डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम। क्या आपको पता है प्लासी का को उसका नाम कैसे मिला? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनंसिएशन ऑफ प्लासी। तो प्लासी है, देखो नाम तो था प्लासी लेकिन अंग्रेजों की जो प्रोनंसिएशन है उनको प्लासी को बोलना नहीं है, उन्होंने उसका नाम रख दिया प्लासी, तो इस तरीके से जो है प्लासी नाम पड़ा। लेकिन प्लासी होता क्या है? एंड द प्लेस डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री, जो पलाश का पेड़ होता है उसके नाम पे प्लासी का नाम रखा गया था। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स दैट यील्ड गुलाल, जो कि अपने लाल सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है जिससे कि गुलाल बनाया जाता है। एंड द पाउडर यूज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ होली, होली में जो गुलाल यूज किया जाता है वो पलाश के फूलों से बनाया जाता है। तो पलाश के पेड़ के नाम पे प्लासी नाम रखा गया, लेकिन अंग्रेजों को जो है उसकी प्रोनंसिएशन ठीक से आई नहीं तो उन्होंने उसका नाम रख दिया प्लासी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव रीइंफोर्स्ड बाय द वर्क फ्लीट। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि कैलकटा जो है कैलकटा में अंग्रेज जो है हार गए हैं, और तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास जो कि मद्रास में जो कंपनी के ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने जो है फोर्सेस को भेजा, वहाँ पे सेना को भेजा किसके अंडर, अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को भेजा, और जो है reinforced by naval fleets यानी कि उन्होंने हर तरीके से जो है समुद्री लड़ाई की यानी कि नौसैनिक सेना से लड़ाई की भी तैयारी शुरू कर ली थी, यानी कि उन्होंने अपने जहाज की तैयारी युद्धपोत भी तैयार कर लिए थे। ठीक है, prolonged negotiation with the nawab followed। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो है नवाब के साथ नेगोशिएशन यानी कि उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की गई। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब फाइनली क्या हुआ, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव
तमाम हार गया था, यानी कि सिराजु दौला जो है हार गया था। वो क्यों हार गया था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसका एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उसका? मीर जाफर। उसने क्या करा, उसने कभी लड़ाई लड़ी नहीं और वो अपनी सेना को लेकर सिर्फ वहाँ पे जो है खड़ा रहा, यानी कि बैटल फील्ड में सिर्फ खड़ा रहा और उसने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। क्यों नहीं लड़ी? क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजु दौला। उसने लड़ाई मीर जाफर ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि अब जब ये सिराजु दौला मर जाएगा तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। ठीक है, इसने इसको ऐसा प्रॉमिस किया, इसलिए इस लालच में आके मीर जाफर ने लड़ाई लड़ी ली और अपनी सेना को लेके सिर्फ वहाँ पे खड़ा रहा। इसकी वजह से भी जो है सिराजु दौला उस लड़ाई में हार गया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। जो प्लासी की लड़ाई है वो फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये जो है पहली ऐसी लड़ाई थी जो कि अंग्रेजों ने भारत के अगेंस्ट भारत में जीती थी। ठीक है, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजु दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था, जब वो सिराजु दौला लड़ाई में हार गया तो उसके बाद क्या किया, सिराजु दौला को तो असैसिनेट कर दिया यानी कि जान से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बंगाल का बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि इसके बाद भी जो कंपनी है ना वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी। मतलब उनका कोई इरादा जो है वहाँ के पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, वो सिर्फ क्या चाहते थे कि हमें ट्रेड आसानी से करने दिया जाए। ठीक है, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था अपने ट्रेड को बढ़ाना। ठीक है, उन्होंने ये लड़ाई लड़ने के बाद भी उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि मीर जाफर उनके हाथ की कठपुतली बना रहेगा और ट्रेड करने के लिए व्यापार करने के लिए उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो उनको बस इजीली मिल जाए, इसके अलावा उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो क्या था, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ यानी कि उनके बिजनेस का एक्सपेंशन आराम से हो सकता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, अगर लोकल रूलर्स की मदद से वो अपना बिजनेस बढ़ाने में कामयाब होते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के तो उनको टेरिटरीज को कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। लेकिन जल्दी ही कंपनी को ये पता चल गया कि ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। उनको पता लगा कि जो हमारे पपेट नवाब हैं यानी कि जो हमारे कठपुतलियाँ हैं वो नवाब भी जो हैं हमेशा हेल्पफुल नहीं होंगे वो करने के लिए जो भी कंपनी चाहती है। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। उनको ये पता चला, देखो इनको क्या समझ में आ गया, आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन, देखो जो नवाब थे चाहे वो अंग्रेजों की जो है हेल्प कर रहे थे उनका बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को जो है डिफ़िकल्टी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ये पता लगा कि अपनी जो है लोगों के बीच में सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के बीच में जो है इन नवाबों को अपनी डिग्निटी और सोवरेनिटी यानी कि अपनी संप्रभुता यानी कि कोई दिखाना होता था ना अपनी प्रजा का को कि हम अपनी हमें आपके बहुत अच्छे राजा हैं बहुत अच्छे नवाब हैं, तो उन सबको दिखाने के लिए भी जो है इनको इस तरीके की अपीयरेंस अपनी दिखानी पड़ती थी कि वो अपने जो प्रजा के लिए हैं फेथफुल हैं और अपने राज्य को जो है बचा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखानी पड़ती थी उनको। इससे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जो है इस तरह का पपेट जो रूलर हैं वो भी उनके ज़्यादा काम नहीं आ सकते। बट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करती, व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन दिस प्लेस। जब मीर जाफर ने भी प्रोटेस्ट करा यानी कि अंग्रेजों का विरोध किया तो उसको हटाकर उसके
सॉल्व कर रहे थे, नवाब बना रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके आगे चल के अंग्रेजों के साथ कोई इशू ना हुए हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हुए, और सबको जो है लड़ाई करनी ही पड़ती थी। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जफर वॉज री इंस्टॉल्ड। अब क्या हुआ, जब मीर कासिम जो है बक्सर की लड़ाई में हार गया तो उसको बंगाल से बाहर बुला भेज दिया और मीर जाफर को वापस से जो है नवाब बना दिया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। अब जो है नवाब को हर महीने ₹5,000 पे करने होते थे, लेकिन जो कंपनी है वो चाहती थी कि उसको और ज़्यादा पैसे मिले क्योंकि उसको अपने वॉर को, क्योंकि अब उसकी लड़ाइयाँ होने लगी थी लोकल नवाब के साथ, तो उसको वॉर को फाइनेंस करने के लिए, यानी हथियारों को खरीदने के लिए, सैनिकों के लिए और ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती थी। तो एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और अपने बिजनेस से के जो और एक्सपेंसेस थे उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। जब तक 1765 में मीर जाफर की डेथ हुई तब तक कंपनी का जो मूड है वो चेंज हो गया था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इनडीड बिकम नवाब्स अर्सेल। पपेट नवाब से जो है उनके साथ काम करते हुए जब ये फेल हो गए थे, यानी कि इनको लगने लगा था कि पपेट नवाब जो है काम के नहीं है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब जो है बनना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड अ कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। फाइनली क्या हो गया, बंगाल का जो है दीवान कंपनी को बना दिया जिसने मुगल एम्परर ने। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी मिलने से जो कंपनी है बंगाल के जो वास्ट रेवेन्यू, यानी कि जो उनका पैसा था बंगाल का, उसको यूज करने के लिए जो है अलाउ हो गई थी। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब इसने क्या कहा, कंपनी के जो पैसों की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, मतलब उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने लगी। फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड वॉर विद इंडिया हैज एक्सपेंडेड। अब जो उसका ट्रेड इंडिया के साथ काफ़ी बढ़ गया था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन उसको जो है अभी भी भारत से कुछ भी खरीदना पड़ता था तो बदले में उसको ब्रिटेन से जो है सोना और चांदी बदले में ला के खरीदना पड़ता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटेन में कोई गुड्स नहीं होते थे जो कि वो इंडिया में ला के बेच सके, तो उनको इंडिया से कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो बदले में सोना और चांदी देना पड़ता था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो है इंग्लैंड से गोल्ड आना जो है धीरे धीरे कम हो गया था। एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब से वो दीवान बन गए थे उसके बाद से वो पूरी तरह जो है बंद हो गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब सिर्फ इंडिया से जितने रेवेन्यू आते थे, जितनी इनकम होती थी टैक्सेस वगैरह से, वो कंपनी के जितने एक्सपेंस थे उनको पूरा करने के लिए सफिशिएंट थी। ठीक है, दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब ये जो पैसे थे उनको टेक्सटाइल और यानी कि सिल्क और कॉटन खरीदने में हेल्प करते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, जो कंपनी के जो सिपाही होते थे उनको मेंटेन कर सकते थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कैलकटा। और जो भी उनकी कंपनी के बिल्डिंग थी, उनके जो किले थे, ऑफिसेस थे कैलकटा में, उन सबको वो मेंटेन कर सकते थे। ठीक है,